हेलो एवरीवन, सो कैसे आप लोग? उम्मीद कर लो बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो आखिरकार पूरे एक हफ्ते की मेहनत के बाद हम कामयाब हुए उर्दू के नोट्स को तैयार करने में। वो उर्दू के नोट्स को तैयार करने में थोड़ा समय लगा, क्यों लगा उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और उस नोट्स को आप कैसे ले सकते हो उसका पूरा प्रोसेस भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो ज़्यादा समय आपका नहीं लेते, हम लोग सीधा मुद्दे पाते हैं वीडियो का। सो देखिए, हमने उर्दू का नोट्स तैयार किया। अब जब हमने तैयार करना शुरू किया था तो मैंने एक टीचर का हेल्प लिया है, क्योंकि उर्दू सब्जेक्ट में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, मैंने जब अपने टाइम पे उर्दू की प्रिपरेशन की थी तो मैंने पूरा गाइड के थ्रू पढ़ा था, सिर्फ मेरे पास एक वही सोर्स था, मुझे कोई पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं मिल पाया था उर्दू में, जिस वजह से मेरा एक अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था उर्दू सब्जेक्ट में। ठीक है, सो मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों के साथ भी वही सेम चीज़ हो, इसलिए मैंने प्रॉपर एक टीचर के गाइडेंस को लेकर के उर्दू का यहाँ पर नोट्स तैयार किया है। दूसरा, एक हमने स्टूडेंट का यूज़ किया है नोट्स को लिखवाने के लिए, क्योंकि राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब मेरे पास तो समय था नहीं कि मैं उसको लिख पाता, इसलिए हमने एक स्टूडेंट्स को लिया जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है और उनके थ्रू हमने नोट्स को लिखाया। तो यहाँ तक हमारा काम पूरा तरीके से कंप्लीट था। हमारा टारगेट था 3 दिन में कंप्लीट करने का, बट एक हफ्ते का समय लगा, क्योंकि हमारा टारगेट था हम ऐसा नोट्स तैयार करें जिसमें आपको हर चीज़ मिले। ये पूरे तरीके से ऑल इन वन पैकेज तैयार करने का हमारा टारगेट था और आखिरकार हम उस चीज़ में कामयाब भी हो पाए, क्योंकि हमने ऑल इन वन पूरा पैकेज तैयार किया उर्दू के नोट्स के लिए। आपको सिर्फ यही पढ़ना, अगर आपने सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ लिया कम्प्लीटली जो आपके नोट्स में दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उर्दू में। आप उर्दू में ऐसे ही 90+ स्कोर कर जाओगे। बस एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना होगा, वो अपनी उर्दू की हैंड राइटिंग को ध्यान रखना होगा। अगर आपने अपनी हैंड राइटिंग को मैनेज कर लिया, एक अच्छा स्टैंडर्ड पे गुड हैंड राइटिंग अगर है, देन आपको 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा उर्दू में। ओके, इसलिए अब बात कर लेते हैं कि नोट्स में एक्चुअल में है क्या क्या चीज़, क्या क्या चीज़ आपको मिलेंगी। सबसे पहला चीज़, आपके जितने भी नसर हैं सब नसर का आपको खुलासा मिलेगा। उसमें जो भी जो एक कोटेशन दे करके जो आपको यानी कि एक लाइन दिया जाता है उसकी तस्री करने को बोलते हैं, उस टाइप का जितने तरह के क्वेश्चन है शॉर्ट लॉन्ग सब हमने उसमें इंक्लूड किया है हर नसर में। उससे वही सेम पैटर्न हमारा नज़म में भी, हमने हर नज़म में पूरा पैटर्न फॉलो किया है। देन उसके बाद जो रुबाइयात है, अब रुबाइयात में हमने सिलेक्शन रखा है रुबाइयात का। ओके, हमने कुछ रुबाइयात को छोड़े हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रुबाइयात हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आते, जिनका आने का चांसेस भी नहीं होता है। तो उन कुछ जो चंद रुबाइयात उनको हमने छोड़ करके जो बाकी हमारे इंपॉर्टेंट रुबाइयात है उनको हमने रखा है, और उनको हमने डिटेल में जिस तरीके के क्वेश्चन रुबाइयात से पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ों को हमने नोट्स में इंक्लूड किया है। यही पैटर्न हमारा पूरे तरीके से गज़ल में भी है। तो गज़ल में तो हमने सभी लिया है, क्योंकि गज़ल में ये थोड़ा अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा गज़ल से नहीं आएगा, बट फिर भी हमने कोशिश किया है कि जो एकदम ही निगलिजिबल हो, मतलब नॉन वैल्यूएबल है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है 2024 में, उनको हमने स्किप करने की कोशिश की है। बट फिर भी गज़ल में हमने ऑलमोस्ट सारा हमारा इंक्लूड है एज़ पर सिलेबस पार्ट। फिर हमारा जो कसीदा हो गया वो भी इसमें, एक लूसी गिरे का जो एक अलग से स्टोरी है वो भी इसमें हमने इंक्लूड कर रखा है। देन इतना तो हो गया आपका जो सिलेबस में। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? इसके अलावा आपको मिलने वाला है यहाँ पर जरबुल मिसल मिलेंगे, महावरा मिलेंगे। वर्ड मीनिंग्स तो हर चैप्टर्स के आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ को आसानी से आप समझ पाओ। देन जो ग्रामर्स होते हैं उर्दू का, क्या ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के, वो सारे यहाँ पर इंक्लूड किए गए। ओके, देन एट द एंड यहाँ पर आपको कुछ ये भी दिए गए हैं, हमने अपने तरफ से ये भी ऐड किया, जो पैराग्राफ राइटिंग्स होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग्स होते हैं, वो सब चीज़ें भी हमने नोट्स में इंक्लूड किया है कि किन किन टॉपिक से पैराग्राफ राइटिंग आते हैं और किन किन टॉपिक से रिपोर्ट राइटिंग आते हैं, वो भी इसमें है। एंड देन प्रॉपर लिखा हुआ पूरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपिक है, हमने पूरा उनको लिखा है अच्छे तरीके से, और यहाँ पर कोई भी बुकिश लैंग्वेज या गाइड का लैंग्वेज यूज़ नहीं हुआ है। ये प्रॉपर एक टीचर के द्वारा लिखवाया गया है, ताकि आप चीज़ों को आसानी से याद कर सको एक आसान लैंग्वेज में, और जब इस आंसर को आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो उससे आपको अच्छा स्कोर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। देन इसके अलावा हमारा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होता है, यहाँ पे कि इंग्लिश दिया उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, फिर उर्दू या में ट्रांसलेट करना होता है, वो सेक्शन भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऑल इन वन पैकेज है, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो उर्दू के सिलेबस में आपके पास है। हमने किसी भी एक सेक्शन को यहाँ पर छोड़ा नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा समय लग गया इसको पूरे तरीके से तैयार करने में, क्योंकि अच्छी चीज़ को प्रिपेयर करने में थोड़ा समय लगता है। तो ये तो था कि हमारे कंटेंट में है क्या, ये पूरा नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब बात ये आता है कि आप इसको किस तरीके से ले सकते हो। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मेरा पूरा अपना अकेले का एफर्ट नहीं है, इसलिए हमें मैं इस चीज़ को फ्री में आपको अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि इसमें हमने दूसरे लोगों का एफर्ट लिया, तो उनको तो हमें पे करना होगा एट द एंड, क्योंकि वो तो एफर्ट डाल रहे हैं, उनका हमें उस चीज़ को पे करना है। इसलिए काफ़ी सोच समझ के एक मिनिमम अमाउंट यहाँ पर सेट किया है, जो कि 100 रुपीज़ का, यानी कि 100 रुपीज़ आप मुझे पे करोगे वो नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी मिनिमम अमाउंट है, मैंने अपना कोई भी कॉस्ट नहीं रखा है इसमें, सिर्फ वही कॉस्ट मैंने रखा है जिससे मैं जो दो लोगों का मैंने हेल्प लिया है, जो टीचर है एंड जो अदर स्टूडेंट है जिसने लिखा है पूरा नोट्स को,
क्योंकि आप जानते हो कि पूरा जो नोट्स जिसने भी लिखा होगा, आप अगर लिखने बैठोगे कितना समय लगेगा, कितना एफर्ट आपको देना होगा, और एक ही तरीके का हैंडराइटिंग को मेंटेन करना ये आसान नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने अपना कोर्स बिल्कुल हटा दिया है, मैं अपने तरफ से कुछ भी आपसे नहीं लेने वाला हूँ। बाकी ये जो 100 रुपीज़ का मैंने प्राइस रखा है, ताकि जो उन लोगों की तरफ से एफर्ट आया उनको उनका पे आउट हम दे सके, यही टारगेट है मेरा। इसलिए एक मिनिमम अमाउंट हमने फिक्स किया 100 रुपीज़, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सअप नंबर लीजिए, उस पर मुझे आप मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ, अपना नाम भेजिए और लिखिए कि मुझे उर्दू का नोट्स चाहिए। देन मैं आपको वहाँ से पेमेंट करने का तरीका बता दूंगा, पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट का, उसको हम वेरीफाई करने के बाद आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि PDF हमारा टोटल में टोटल पेजेस यहाँ पे 75 to 80 पेजेस, आप समझ लो अप्रोक्स 80 पेज हैं पूरा, क्योंकि हमने उसको PDF में सब एक जगह कर दिया लाइन से। इतना सारा आएंगे, फिर नजम आएगा, फिर गजल आएगा, गजल के बाद रुबाइयात है, फिर कसीदा है, देन उसके बाद ग्रामर शिक्षण जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया, इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर माध्यमिक एग्जाम 2024 भी डाला है। मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे मेंशन करके दिए हैं उसमें, जो एक तरीके का सजेशन टाइप समझ सकते हो, जो हमने उसमें ही इंक्लूड कर दिया। सो ये एक प्लस पॉइंट है जिसके लिए हम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमने एक्स्ट्रा ही मैंने अपनी तरफ से उसमें डाल दिया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अभी और भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर काम कर रहा हूँ, उर्दू के एक सजेशन टाइप बना रहा हूँ जो आपको दे दिया जाएगा, जो भी लोग मुझसे वो नोट्स परचेस करेंगे, ठीक है, उनका डिटेल मेरे पास रहेगा। जैसे वो रेडी होगा वो मैं सजेशन आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू PDF में या मेल के थ्रू PDF में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और उसके लिए आपसे हम किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि वो मैं खुद बना रहा हूँ अपने एफर्ट से, तो वो फ्री अवेलेबल है सभी के लिए। तो बस यही था आपके लिए बात हमारे पास, यही आपसे शेयर करना था, यही मेथड है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जाकर व्हाट्सअप पर नोट कीजिए, अभी के अभी मैसेज कीजिए, ओके। आप जितना ज़्यादा फास्ट मैसेज करेंगे उतना फास्ट हम आपको यहाँ पे पेमेंट वेरीफाई करके आपको हम यहाँ पे नोट्स आपके तक पहुँचा देंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी उर्दू नोट्स के रिगार्डिंग, वो सब आपको मिल पाई हो। किसी भी तरह कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर करूँगा। देन इंग्लिश सब्जेक्ट जो है मैंने उसका भी नोट्स रेडी कर लिया, मैं उसका भी PDF बना रहा हूँ, और इंग्लिश के जो नोट्स थे वो भी एकदम A1 लेवल का नोट्स मैंने तैयार किया है, ठीक है। वो भी टीचर के गाइडेंस के थ्रू हमने तैयार किया, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स हो जाते हैं, वो भी क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो ऐसा है, हमने इंग्लिश का नोट्स तैयार किया जो 100% कॉमन क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उसके बारे में अनाउंसमेंट कल या परसों हम कर देंगे, ओके। देन जो लोग हिस्ट्री के नोट्स मांग रहे थे हिंदी में, मैं कल एक लिंक डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, आप उस लिंक के थ्रू जा करके हिंदी का नोट्स डाउनलोड कर पाओगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, सिर्फ कल तक मैं कल वो चीज़ कर दूंगा। सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन था मेरे पास अभी शेयर करने के लिए आपके तक, जो मैंने आपको शेयर कर दिया। सो फिलहाल मिल लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।